हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है छेने की छोटी छोटी रसीली सी रसगुल्लियाँ। बहुत ही फ्रेश से छेने की एकदम मिठाई है ये, तो देखते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हमने लिया है 1 लीटर दूध का छेना। छेना बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप उससे देखकर बना सकते हैं छेना। तो 1 लीटर दूध का ये हमने छेना ले लिया। इसको हम अच्छे से मसल मसल के चिकना कर लेंगे। कम से कम 8 से 10 मिनट तक हमें इसे मैश करना है, जिससे इसके जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाए और एकदम बिल्कुल चिकना सा ये डोसा तैयार हो जाए हमारा। तो अच्छे से आप इसको मल लीजिए कम से कम 8 से 10 मिनट तक, क्योंकि चिकना नहीं होगा तो फिर ये फटने लगेगा और ठीक से हमारी जो मिठाई है वो बनेगी नहीं। अच्छे से ऐसे रगड़ रगड़ के बिल्कुल आप इसके दाने ख़त्म कर लीजिए। पूरे हाथ से, हथेली से, उंगलियों से करते करते हमें इसको मैश करके एक चिकना सा डो बना लेना है। तो इस टाइप से हम चिकना सा डो बना लेंगे इसका, और उसके बाद बहुत ही छोटी छोटी हम इससे गोलियां बनाएंगे। ऐसे अच्छे से प्रेस कर कर के, रगड़ रगड़ के, जिसमें ज़रा से भी क्रैक्स ना हो ऊपर से, इस तरह से छोटी छोटी रसगुल्ले तो हम थोड़े बड़े बनाते हैं, इसको हम बिल्कुल छोटी छोटी इस टाइप की रसगुल्लियाँ सी तैयार कर लेंगे। तो सारी आप तैयार कर लीजिए। यहाँ हमने लिया है 2 कप चीनी और 4 कप पानी, जिसको हमने उबलने चढ़ा दिया है। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून दूध। तो इसको अब हम उबलने देंगे। इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए 1 पिंच इलायची पाउडर। तो अब हमारे ये जो चाशनी है ये उबलने लगी है। उबलते ही जो हमने सारी छोटी रसगुल्लियाँ बनाई थी उसको हम डाल देंगे इसके अंदर। सावधानी से आप सारी रसगुल्लियों को इसके अंदर डाल दीजिए और इसको अच्छे से हम उबलने देंगे। अब हमें इसको ढक के करीब 12 से 15 मिनट तक पकने देना है। तो 12 से 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए रसगुल्लियाँ हमारी ऊपर आ गई हैं। 5 मिनट तक ऐसे ही हमें इसको खोल के पकाना है। तो ये सारी रसगुल्लियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर, गुलाब जल डाल के इसको हम ठंडा होने देंगे। बिल्कुल पैन में से आप निकालिए नहीं, इसी के अंदर हम ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं कितनी स्पॉन्जी सी हमारी रसगुल्लियाँ एकदम तैयार हो गई हैं। मैं इसको निचोड़ भी रही हूँ तब भी ये पूरी बाउंस बैक हो रही है। तो बहुत टेस्टी सी स्पॉन्ज रसगुल्लियाँ छोटी सी फटाफट तैयार हो गई हैं हमारी। अब हम ठंडा होने के बाद इसको हम एक छन्नी ले लेंगे। छन्नी के ऊपर ये जो सारी रसगुल्लियाँ हैं इसको हम पलट देंगे, जिससे जो सारी चाशनी है वो नीचे रह जाए और रसगुल्लियाँ जो हैं वो छन्नी में निकल आए, क्योंकि एक्सेस चाशनी हमें निकाल देनी है। तो इस तरह से हम इसको ड्रेन ऑफ करके ये सारी रसगुल्लियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। इनको निकाल लेंगे, फ्रिज में रख कर हम एकदम ठंडा करेंगे। एकदम चिल्ड सी, मीठी मीठी, रसे से भरपूर हमारी छोटी रसगुल्लियाँ तैयार हैं, बिल्कुल फ्रेश छेने की, इतनी स्पॉन्जी सी। आप देख सकते हैं, इसको फ्रेश बनाइए और सबको घर पे खिलाइए।